बुद्धा सैनी ट्रेनिंग सेंटर बिहार से नालंदा। मेरा ये वीडियो उन खास बच्चों के लिए है जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस असफलता को सफलता में बदलना चाहते हैं तो मैं आपको छोटे से ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी ये जो आगामी 20,000 की वैकेंसी आने वाली है इसमें आप सफल हो पाएंगे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ कितना करना चाहिए। अक्सर बच्चा उठते के साथ ही मोबाइल फ़ोन चलाता है और बोलता है कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं। मैं मना नहीं करता कि मोबाइल से आप मत पढ़िए, लेकिन उसका इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना कि नमक का ज़रूरत होता है खाने में। ज़्यादा यूज़ कीजिएगा जहर हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे बच्चे से मिलाना चाहूँगा जो कि बिहार शरीफ में रहे और इसके बाद भी बाहर में गए। आपको बुद्धा में क्या पढ़ाई हुआ, हमारे टीचरों ने इनको क्या पढ़ाया, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। सैनिक से दो लड़कों का रिटर्न का रिजल्ट हुआ है, एक का नाम है विकेश और दूसरा का नाम अभिनव है, और ये तीसरा हमारे यहाँ जो क्या नाम है गौतम, जो कि पढ़ते भी थे साथ में दौड़ते भी थे। मेरा नाम विकेश कुमार है, मेरा बिहार पुलिस का आज रिजल्ट आया उसमें हो गया है। इससे पहले भी और बहुत सारा रिजल्ट, इससे पहले जीडी में भी रिजल्ट हुआ है, जीडी में दिए हैं। यहाँ आर्मी की तैयारी करते थे सर, जो पढ़ाते थे वही हम यहाँ सेट मार रहे थे, उसमें मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा था। मैंने 70, 72, 69 इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। कितनों उसको रिवाइज भी कर रहे थे सेट को, नहीं बढ़ रहा था। फिर सर पूछे, सर को बताएं कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा। फिर सर जो लास्ट में जो 10 दिन हम लोग को टाइम दिए, उसी का परिणाम मुझे लगता है कि यहाँ तक हम पहुँचे। देखिए होता क्या था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके लोग सेट मार रहे थे, कई लोग खाली सेट मरवाते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारा ये कमजोरी है। मैंने क्या किया, इसको और अभिनव को दोनों को सेट में जो गलतियाँ हुई, किस टॉपिक पर गलती हो रही है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा, बार बार गलत हो रहा, उस चीज़ को हम लोगों ने इसको रिवाइज करवाया था और इसका रिजल्ट हुआ। तो पटना भी गया था यार, वहाँ जाके और यहाँ पे क्या अंतर महसूस किया? आज सेट मारे जा रहे थे, लेकिन वहाँ तो जाते थे मरवाते थे मिलाते थे, फिर जाओ जिसका आ रहा है 10 नंबर 20 नंबर कोई कितना भी आ रहा है, उसका कोई उपाय नहीं था, सिर्फ सेट मरवा रहा था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फेल हो चुके हैं बिहार पुलिस में और चाहते हैं कि अब कोई सहारा नहीं है, सेटिंग भी काम नहीं आ रहा है, रट्टा भी काम नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 6 महीना आप बिता लो। 6 महीना में मैं गारंटी दूंगा कि आपका रिटर्न का रिजल्ट करवा दूंगा। रिटर्न ही नहीं, बिहार पुलिस का दावा के साथ करता हूँ कि फाइनल मेरिट तक बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी शर्तों पे आपको रहना होगा, आपको पूरा हार्ड वर्क करना होगा जैसे मैं बताऊँगा। आपकी डेली की डेली गलती, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगा। मेरे टीचर जो मेरी टीम है, ज़्यादा टीम नहीं है, हम 3 आदमी का टीम है, 2 टीचर है हमारे, 1 तीसरा मैं, लेकिन मैं आपका 3 विषय 4 विषय को कवर करता हूँ। साइंस हो गया, SST हो गया, आपका हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, मैथ और रीजनिंग, ये मेरे लिए सर अलग से हैं, और एक राजीव सर हैं वो भी साइंस पढ़ाते हैं। हम सब मिल करके काम करते हैं कि किसका पोर्शन कौन सा मजबूत है, बच्चों का कहाँ पे कमजोरी है, उसको निकालना है। उसी की वजह से हमारी संस्था से रिजल्ट हुआ है, और मैं चाहूँगा कि रिजल्ट जो आज रिटर्न में हुआ है इसको फाइनल में हम तब्दील कर दें, और उम्मीद करता हूँ कि तब्दील कर दें, क्योंकि दौड़ने में भी ठीक है, पहले से दौड़ा रहे हैं इसको। सर लास्ट में जो एनालिसिस आप कर रहे थे, उसमें आप बहुत सारा बताए थे कि क्वेश्चन देख के जाना, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा है सर कि एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। देखिए जो एनालिसिस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, विषयों का ज्ञान होना चाहिए कि किस विषय में कैसे क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे किस एग्ज़ाम में, उसका एक रिजल्ट कारण है। मैं हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़ा रहता हूँ, डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ, कितना भी फिजिकल कराने के बाद में, और इसी कारण है कि बच्चों की कमियों को मैं पूछता हूँ और कैसे दूर करना है इसको बताता हूँ। अगर आप भी परेशान हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, एक बार भरोसा कीजिए बुद्धा पे, मैं गारंटी लूँगा आपका रिटर्न और फिजिकल और मेरिट तीनों चीज़ बना के दूंगा इस बिहार पुलिस में जो आने वाली है। तो वेलकम टू बुद्धा, थैंक यू।